तक नतीजे नहीं आ जाते। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर यह कि कांग्रेस एमएलए नीलांशु चतुर्वेदी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीलांशु चतुर्वेदी को एआईसीसी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। बता दें कि चित्रकूट से कांग्रेस के विधायक हैं नीलांशु चतुर्वेदी, और नीलांशु चतुर्वेदी को यूपी की जिम्मेदारी भी मिली है। दो अफसर जिनके सामने जनप्रतिनिधियों को लेने के देने पड़ गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और बड़नगर के दो अफसरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों ही अफसर एसडीएम हैं। एक वीडियो में एसडीएम लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरे वीडियो में महिला एसडीएम काम में अलंगा डालने वाले जनप्रतिनिधि की क्लास लगा रही। मध्य प्रदेश में दो अफसरों के कथित वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि एक वीडियो शिवपुरी के एसडीएम उमेश प्रकाश शुक्ला का है, जबकि दूसरा बड़नगर की एसडीएम निधि सिंह का है। इन दोनों वीडियो में कुछ बातें एक जैसी हैं। पहले ये कि दोनों ही अफसर एसडीएम हैं, और दूसरी ये कि दोनों वीडियो में अफसरों की बहस जनप्रतिनिधियों से हो रही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शिवपुरी का वीडियो, लेकिन आप जरा गौर से सुनिएगा। क्या नुकसान हो रहा है आपका? क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है? कुछ वोट डाल जाते हैं। आपने वोट डाल के आज तक क्या किया? हमने डाल के क्या किया आज तक? कितनी कितनी भ्रष्ट नेता पैदा किए। मैं तो वोट डालना मैं तो ये समझता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी गलती है। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी गलती है। एक कुर्सी से अगर बात करें सबसे बड़ी गलती है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रत्याशी वोटिंग से जुड़ी कुछ शिकायतें लेकर एसडीएम के पास पहुंचे थे, लेकिन शिकायत पर एक्शन लेने के बजाय लोकतंत्र पर ही सवाल उठा दिया गया। जी हां, जिस लोकतंत्र की बदौलत आज जनाब आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, भारत के जिस महान लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया करती है, वो लोकतंत्र एसडीएम साहब को रास नहीं आ रहा। एक बार फिर से सुनिए। हालांकि न्यूज 18 किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन शिवपुरी का वीडियो चर्चाओं में है। उधर उज्जैन के बड़नगर का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसडीएम निधि सिंह की बहस इलाके के पूर्व विधायक शांतिलाल धाबाई से हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें पहली गलती पूर्व विधायक ने की, क्योंकि आम लोगों की शिकायत पर जलभराव की समस्या सुलझाने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंची थी, लेकिन पूर्व विधायक ने काम में रुकावट डालने की कोशिश की और नौकरी से हटाने की धमकी भी दी, जिसके बाद महिला एसडीएम का पारा चढ़ गया। एसडीएम ने कहा दफा हो जा, तो पूर्व विधायक के समर्थक उन्हें वहां से ले गए। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि न्यूज 18 किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। टीकमगढ़ में नगर पालिका चुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक राकेश गिरी और उनके छोटे भाई पर हमला कर दिया। यह आरोप है, मारपीट की गई यह भी आरोप लगाए। वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। बीजेपी विधायक राकेश गिरी के छोटे भाई पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद थे। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने विरोध किया। इस बात को लेकर विवाद हो गया और फिर आपस में ये लोग भिड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मतदान के समय मेरे भाई बाहर खड़े थे, यादवेंद्र सिंह, उनके पुत्र शाश्वत सिंह, अंकुर सिंह और उनके परिजन आकर सिंह सहित 40-50 लोग वहां पहुंचे। उन्होंने प्रयास किया कि हम यहाँ बूथ कैप्चरिंग करें, लेकिन मेरे भाई ने मना किया कि भाई मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण इसको होने दीजिए। तो इस बात पे बहस हुई, उन लोगों ने मेरे भाई के साथ मारपीट कर दी। वार्ड नंबर 1 में जहाँ पे हमारी सीता और छीता देवी हमारी उम्मीदवार हैं,
उनको मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया, उनके पति को बाहर निकाल दिया, और दूसरी तरफ दूसरे वार्डों के लोग उस मतदान केंद्र के अंदर घुसे। मेरा भतीजा वहाँ पे पहुँचा और उसने कहा कि ये, जब उसने शिकायत करी तो उसने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, इसमें क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसके साथ मारपीट। हरदा जिले में हुई भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। तेज बारिश के कारण स्टेट हाईवे का बड़ा हिस्सा और पुलिया बह चुके हैं, रोड और पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं बारिश थमने के बाद लोग जल्दबाजी में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीर गंग्याखेड़ी और घोड़ाकुंड गांव के बीच बहने वाली नदी के रपटे की है। नदी पार करने की जल्दबाजी में बाइक सवार युवक तेज बहाव में बह गया। युवक तो जैसे तैसे नदी तैरकर पार हो गया, लेकिन बाइक बह गई। दूसरी तस्वीर खंडवा हरदा स्टेट हाईवे की है। बुरहानपुर जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और पुल पुलियों पर से कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। इस बीच रोह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें जो बुरहानपुर के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट की, आप देख पाएंगे कि कैसे अपनी जान को दांव पर लगाकर एक ट्रक चालक एक आदमी पुल के ऊपर से तेज बहाव को पार कर रहे हैं। देखकर किसी की भी सांस अटक जाए। एक ओर जहां ये गलती कर रहे हैं, वहीं इसमें प्रशासन का भी दोष कहा जा सकता है, क्योंकि पुल के दोनों तरफ न तो चेतावनी बोर्ड है और न ही किसी कोटवार कर्मचारी या होमगार्ड का जवान यहां पर तैनात किया गया।